ਕਰਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਏ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਊ ਜੀ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਐਸਡੀਓ ਹੈ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਐਸਡੀਓ ਮੁਕਰਮ ਜਲਾਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपकी जैनी 1 2 3 और आज देखे मैंने ट्रेडिशनल सूट पहना है ये तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है यहाँ चल क्या रहा है ये है ना हमारे सरकारी महकमे मेहरबानी है जी ओ मेहरबानी नहीं हुंदी एदे थल्ले कुछ 4 पहिए लगदे हुंदे आ जिहड़े पहिए अच्छा एडा ओपन ना करो मैडम जी आपको शर्म नहीं आती आप लोगों की मजबूरियों से फायदा उठा रहे उन्हें कह रहे कि पहिए लगाएं पैसे दें आपको वो रिश्वत दें ओ मैडम जी जेड़ा बिल एक कुत्ते छप गया है ना कि इतना बिल ए ते देना ही पैना ऐसा कुछ नहीं है बिलों की इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं और वो लीगल हैं जे गल्ला सी पब्लिक नु दस दिए ते पहिए किवें चलणगे आप लोगों को इतनी मरात मिलती है यूनिट्स फ्री मिलते हैं बाकी सहूलियात मिलती है और आवाम के साथ ऐसा रवैया ये मरात वाली बात नवीना जी बहुत ही गलत है मुश्किल से 50 यूनिट मिलते हैं वही इस्तेमाल करते हैं और जितनी सैलरी आती है जी मैं तो उसी में गुजारा करता हूँ सैलरी में करते हैं गुजारा आर यू श्योर आप ये देखिए आईएमएफ ने जो नई शरायत रखी हैं उनमें यही कहा गया है कि हमारा जो रेलवे का निजाम है ईआईए और वापडा ये सबसे ज्यादा मराहत हासिल करते हैं रिसर्चर भाई मेरी बात सुने जी जी हम लोग ग्रास रूट लेवल पे बैठे हुए ये आईएमएफ की बातें जो है ना ये ऊपर जाके करें आप भाई सुबह क्या है जगह दो क्या हो गया हाथ हो गई है मेहरबानी करो पीछे लाइन लगी है सर अच्छा तुसी जाओ जरा सी कुछ और चीजें भी तय कर रही है चलो जाओ शाबाश अगले नु आन दियो भाई ये तो कुछ करना नहीं चाह रहा वीरा मैडम जी ताडे सामने ही ते कंगालपुरा ते मेरे वास पे आए और मैं दसो की करा भाई देखे मैंने सुना है जिस बिल को पहिए लगे हो वो छेती तर जांदा है ए वेखो मैडम जी ताडे दिल दियां मुरादां पूरियां होईयां वेखो ए जे सुजदी वाले लोग आए सदके जावा बाऊ जी उधरों अंदरों दी आओ ना जरा अरे सलामत रहो अंदरों दी आओ क्या बात है अब आप ये देखिए कि ये हाल है हमारी आवाम का तो जायज काम के लिए भी उनको रिश्वत देनी पड़ रही है बस ये देख लें फिर अब बिस्मिल्लाह करा क्या बात है देखो ना जी ए ने साडे अफसर ए वाह वाह क्या बात है ए ने साडे अफसर इत्थे फट्टे ते ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ शुक्रिया हां जी दसो जी अपना चाह पियोगे या कोई अपना ठंडा पियोगे बारो अरे इनकी इतनी इज्जत चाय पानी पूछ रहे उनको धक्के देके निकाल दिया आपने खिड़की से सरकारी मेहमान है जी साडा मेहमान नहीं है जी भाई जन आए कैसे आप बस कैसे आना है जी दुनिया को क्या समझाएं क्या जीते क्या हार गए ये बिल हमारा देखिएगा बिल माशाल्लाह तुहानू ते लगदा सारे खानदान दा बिल आ गया फैक्ट्री ओनर है शायद देखो जी जिन्ना मर्जी बिल लावे वहीद भाई तुसी एदा हल कढ के ही दसना है ना आहो लेकिन ए नहीं ना होना ए नहीं होना क्योंकि ए बड़े बिल लग गए ने मैडम जी नाल इन्हें नहीं होना हुण आप इधर आइए मेरे पास आइए मेरे भाई लो जी आपको बड़े ऑफिसर भी आपको फैसिलिटेट करेंगे यहां आइए ना यहां आके बैठिए सर शुक्रिया कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं बड़ी मेहरबानी जरा देखिएगा ये क्या आपका मतलब इतना ज्यादा बिल कैसे हो गया पर्सनली हैंडलिंग हिम 3 माह से जमा नहीं करवा सका अच्छा भी मुझे बताओ कि बिजली तो यकीनन काट दी होगी बिजली कटी है जनाब दीवे बालने पे घर नहीं बिल बहुत ज्यादा मेरे भाई आप देखे मैं फनकार हूँ अगर कहें तो दो बोल सुनाऊं गीत के तो ताकि रहमो करम हो जाए सुनाओ सुना दो यार प्यार भरे मिल जाए मुझको यार क्या कहते हैं भाई कर दें इनका तो यार चार किस्तां कर दियो ना साहब जी सॉरी सर जरा लेट हो गया और पुत्र की हाल ठीक है साहब अस्सलाम वालेकुम निजाम साहब ठीक है ना हां जी साहब जी सब मैं कहना कि मजाल है जे बौनी कीती होवे ते ओ तो आपकी है ही असल कुर्सी जदों बंदा सीट ते ना होवे ना किसे किसे नु बैठ जाना चाहिए है ये साडे मुल्क दा रिवाज हैगा दिलावर यार बहस ना करो ये काम कर दो भाई जाए उधर जाए भाजी जरा मेरी सिफारिश कर दिलावर भाई को जाओ यार जाओ ये मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ जी आपका कोई ड्रेस कोड नहीं है यहाँ पर बैठने के लिए आप ऑफिस में काम करती है ना हाँ जी एक्सक्यूज मी यू हैव नो इश्यूज विद दैट नहीं जी मैंने उनको 2 घंटे का ऑफ दिया है तो वो 2 घंटे में करेंगी इसके बाद अपना काम कंटिन्यू सच्ची 1000 बंदा है पूरे 1000 बंदे ने भेज लिया जी साहब आप आपके फॉलोअर्स ही बहुत ज्यादा है जी बिल आ गए जी बड़ा जी है कोई टेंशन नहीं देखो 4 महीने तो तार नहीं सके हालात नहीं अच्छे सन कोई टेंशन वाली गल नहीं अच्छा जी प्लीज मेहरबानी बैठो बैठो सी हां जी बैठो काम की कर दो जी मैं कैब चलाना जी एक मिनट फोन हां जी हां जी आ जांदी 1 घंटे बाद आ जाएगी बत्ती मैं कह रहा ना थानू यार 4 घंटे हो गए तो की हो गया मर चल रहे हो आ जांदी बत्ती ओए गाल ना कड्डी मैं तन्नू सर तमीज ना गल करी है आपे होएगा तू
तेरा प्यो, तेरा खालू, तेरा चाचा, अन्नी का बच्चा ना हो ते। मैं पता कर लोगों को परेशान कर दिया। एक मिनट जी, एला ए तेरा हाफ है हो गया। हाँ जी, हाफ तेरा पुत्र है हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनिया सी खिड़की चो कह रहे थे पहिए दी। ओ कोई टेंशन वाली गल नहीं, तुसी तोड़ा प्लीज पहिए मेरे को वड्डे नहीं है। ये क्या है? हां ये क्या कर रहे हैं आप? ओ दरख्वास्त दी सी ना, ओ दरख्वास्त जमा करा देंगे ना, ठीक है। लो जी, ए तोड़ा हाफ हो गया बिल जी। ठीक है, सारे जड़े ना। हां इंशाल्लाह जाके तारो। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम दे रहे हो, कोई बात नहीं। यहां पर तो जिसकी जान पहचान हो वहां पर बिल भी कम हो जाते हैं, मीटर भी पीछे हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। गरीबों की मदद कर रहे हैं हम। मोहतरमा मुझे एक बात बताइए कि आप 8 बजे से लेकर 5 बजे तक सरकारी महकमे में बैठी हैं और आप इंटरनेट यूज कर रही हैं। भाई साहब, आपने इंटरनेट का कनेक्शन इधर ऑन क्यों करवाया हुआ है? इंटरनेट ते बहुत लाजमी चीज, देखो बिल इंटरनेट ते भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सानू सारी रिपोर्ट तो कंप्यूटर हो गया सारा सिस्टम। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करने के लिए है कि कोई ऑनलाइन आपने कंप्लेंट देखनी है या आपने बिल चेक करना है। लेकिन एसडीओ साहब, आप मुझे ये बताइए कि ज्यादातर ऑफिस में ना फेसबुक, ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, इसको बंद कर दिया जाता है, आपने क्यों नहीं करवाई? हाय हाय, पूरा दिन ऐसे की करिए वीरे। ए काम करे ना, सर्दियां दी धुंदां दी रातां, ए आप ते रातां नूं कंबल लैके सुते हुंदे ने। साडे बंदियां नूं पता है कि किवें ठंडी तार नूं हाथ पाउंदे ने। यकीन जानो, लैंडमैन जिहड़े खंभे ते चढ़े हुंदे ना, थल्ले 25-30 बंदे इकट्ठे हो जांदे ने। ओह लगदा उत्ते बांदर चढ़िया, तमाशा लग्गा उत्ते। थल्लों एडियां फिकियां फिकियां माड़ियां जुगतां करदे ने सानूं। तुसीं उत्थे हो ना, तुहानूं पता लगे गल की हुंदी है। ओह ठीक वी कर लै, तेरी अद्धी बांह है, तुसीं हो ना साडी जगह लैंडमैन, तेरी तां मिंट बाद लड़ाई हो जाणी है। क्यों? जिहड़ा तूं खिजिया भाई है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर वैग। अपना आ बबलू आइया पुत्र, लो जी इस दफ्तर दा सब तू जिहड़ा कमाऊ पोते ना, ओ है कम इंज करदा है भाई। सारियां तारां कट आया, पूरे वापडा दी जिम्मेदारी इहने अपने नाजुक कंधियां ते लई है। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਅਗਰ ਵਾਪਡਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ ਵਾਪਡਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਖਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ? 70,000। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 70,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਵਾਹ, ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਬਲੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਖਾ ਜਾ। ਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। 3,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਲਵਾਈ ਦਾ। ਜਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਫਿਰ, CCTV ਲੱਗਿਆ, ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ। ਸਹੀਦ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਾਜਾ ਸਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਖੁਪੱਤਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਜ ਵੰਡਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚਲ ਜੇ ਹੂਆ ਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਕੋ ਪੈਸੇ, ਉਧਾਰ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਧਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਵੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਰਗ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੇ ਤਲਾ ਗੰਗ 'ਚ ਟਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ? ਸਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਛਮੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਮੈਂ ਫੜ ਧੜਕੇ। ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਾ ਵੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੂੰ ਡਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਬਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ? ਆਇਆ ਨਾਮਰਾਦ ਬਬਲੂ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਵਰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆਪਨੇ 50,000 ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਮੇ ਦੀਏ? ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬੇਤਨ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਲੀਪੋ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਇੱਧਰ ਆ ਸ਼ਬੋ ਦਿਆ ਮੁੰਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
जिन्हें पैसे चाहिए तू लै जा, बिल तेरा जाना वो मैं क्लीयर करा। दिलावर तू देख मेरिया नरमियां वेखियां, तू मेरी सख्तियां नहीं वेखियां। अच्छा मेरी गल सुन, हुण इत्थों दफ्तर चला जा, मैं तैनूं कह रहा मैं करी बाह छड़ दे मेरी, मैं कमीज पाड़ के थाने चल जाना। एक मिनट, बबली कमीज ना पाड़ी, समझा की मैनूं है बबली कमीज, तुसीं जानदे नहीं बबली नूं, तुसीं जानदे नहीं खाना खराब बबली, अल्लाह जानदा तुसीं मैनूं जानदे नहीं, समझा की है मुझे लग रहा है कि आपका गुजारा बिजली के बगैर बहुत मुश्किल है, कोई सलूशन क्यों नहीं निकालते? अच्छा एडा होता मसला नहीं जिन्हें तुम तीली लान डी बोलन दी बबली जी, आपका तो ये भी नहीं होता, ठीक है बेड़ा गर्क करवाने, इतने उन्हें 800-900 खुसरा बैठा होना है, पंजा खादा है बबली का, पचना पुछना कोई नहीं, मैं तेन दसा बबली आप यहाँ बैठ जाए आराम से। यार दिलावर क्या हरकत करते ना, बेलो बबली वाल साहब भी आ गए, ला जाओ अपनी बच्ची नाल, बैठो सर बैठो, इधर बैठो। अच्छा जी आओ तुसी बवो ना बबली जी प्लीज। अच्छा सर तुहाडा की मसला है? सर इना बिल जनाब आ गया। इजी आराम ना, कोई टेंशन लैन दी लोड़ नहीं, तुसी दफ्तर आ गया, तुहाडी प्रॉब्लम साडी प्रॉब्लम है, होया की होया जनाब? ये है कि जो मसला ना तुसी वो बयान करो, बाकी गल्ला छड्डो। बयान है जी कि देखो थोड़ा पूरे हो जाते। अरे उनको बोलने भी तो दे। आपका कोई मसला है? बिल मेरा बहुत ज्यादा आ गया, इतना बिल आ गया, मैं रोटी खावा आटा ले आवा, बिल बिजली दा देवा, घर दा किराया दे, की करा मैं? बिल दिखाओ, लो बिल देख लो, इतना बिल, इतना बिल, ओए होए 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 होए, देख लो घर दे विच की लगा है जनाब? एक बल्ब है ते 12 कमरे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਇਹ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਲਬ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ, ਸਰਬਰਾ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ 4 ਏਸੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਏ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਿੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। फिर इना बिल क्यों आया तुहानू, अगर तुहाडे घर ए चीजां है ही नहीं? कपड़े धोण वाली मशीन तो जरूर होनी है। ओ नहीं जी, कपड़े धोण वाली मशीन भी नहीं हैगी। बिल्कुल नहीं है, सड़क पर है, सड़क पर है, कोई चीज भी तेरे घर नहीं है। हैं कितना बिल है जी? 1200 रुपए का बिल है। हुण दसो इनू मैं मारा ना तो की करा? 1200 रुपए बिल आया, उसकी कितनी को किस्से करके दें जी हम? ओ ते खुद पे से उनू किस्से में की लगे? कैसे? तुहाडे घर ते ओ जनरेटर लगा है बैठे अफसर को देख लाना, हम देख लिया जी, मीटर मोटर तो नहीं रखेगा मेरा ना, कोई चीज नहीं। मैं कहना सिर्फ दुआवा करनी है सब ले। मैं कहना तुम नुकर दी कबर मिले भाजी। इधर आओ अच्छा? मेरे को आओ जी जी जी। की खाना पीना की है? खाना मैं कुछ नहीं, बस। ये क्या राज है कि आपने जल्दी जल्दी बिल 500 रुपया कर दिया? असल मैं हालात वेखे ने, यो बंदा है इहदे सारिया दे काम आउंदा है। मैडम जी उहदे को डरना चाहिए, कबरां कढ़दा है, गरीब आदमी है, तुहानूं पता कबर दे पैसे मिलदे किन्ने कु ने उहनूं? 15,000-20,000 इक कबर दा। ये तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत लैंदे ने हुण। कौन है 15? कब्रिस्तान च भी जमीन विकण लग पई है। हां जी, अगर इन्हां नूं पैसे कढ़ दोगे ना ते मुड़दे दी लत्तां बाहर रख दिंदे ने। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਨਤ ਚ ਘਰ ਬਣਨਾ ਜੇ। ਵਾਹ, ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ 34,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 4 ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਾਂਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵੇਖੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ? ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ,
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ 2 ਟਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਐਲਸੀਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਬਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 34000 ਰੁਪਿਆ 34000 ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ 80000 ਤਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मुताफुद्दीन मेरा नाम है गालिबन आपकी नई नई शादी हुई है नहीं जी मेरी हुई है लेकिन मुझे ये बताइए कि मैंने शादी करके क्या गुनाह कर लिया है क्या हुआ मेरे भाई नहीं अगर मेरी शादी हो गई है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है क्या दुनिया में किसी और की शादी नहीं हुई तू व्याह कर लिया जी सन सदे ही नहीं इनको तेरी सदने तू अद्धा गान करके 9 मिनट तक खंगदा है वे दिलावर मेरा मुंह ना खिला हाली रह की गया है मुंह ना खिला सारा कुछ तो तू गंदा करता साहब जी वो तो मेरे खंग ते कह रहा सा के माशाल्लाह एडी सोनी खंग आंदी के हेनु नहीं अगर सन तू व्याह ते सद लेंदा असि हल्का फुल्का नाचा टापा कर लेंदियां चार वेला सन हो जंदियां ते तेरी की कमी हो जानी फिर नीवी पींग तो डिग के रगड़ा लवाना लिया अपने व्याह दी बेदशवारा मथे जवे ज्यादा जख्मी हो गए एदे अगले दंद सारे टुटे ने 500 दा हार पाया पैरां च फस गया और एदे प्यो नूं इन्नी मुसीबत पई एदे व्याह ते इन्नी मुसीबत पई है उन्हें बेचारे ने चंगो बोनी घोड़ी मंगवाई जिन्हों कहते नहीं पोनी घोड़ी इंग्लिश ओते बैठा तो फिर भी ये पैर जमीन ते नहीं सी लग रहे मैंने हर वो सजावट की जो दुनिया में शायद किसी ने की हो मसला की है सर मैं अल्लाह की कसम पिछो कितनी कुर्सी वेली सब चीजें छोड़े मेरा मजाक बहुत उड़ रहा है मैं इससे पहले मैं कंज्यूमर कोर्ट तक नहीं गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा मेरा नाम मुताफुद्दीन नहीं होगा वाह क्या ये 45000 रुपए बिल किसने भरना है मुझे बताएं ये आपने भरना है क्यों भरना है हमने 3 दिन सर लाइटें चलाई है इतना बिल तो बनता नहीं हमारा तो पहले 10000 बिल आता था बताओ शबाना मैं तो 3 दिन पहले ही आई हूँ क्या डेकोरेशन क्या की थी भाई देखे कनाल का घर है हमारा सर्च लाइटें जलाई थी हमने ताकि हमें दिखे कौन कौन मेहमान आया है शादी पे जिड्डा दा कादे एदे वास्ते एक मरला भी कनाल ही है अच्छा जी और उसके बाद बर्क की कुमकुम है हमने पूरे घर में सजाई ये वाला बिल तो इधर ही पूरा हो गया हाँ जी और मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन आपने लाइटें पहले लगवाई थी है ना नहीं नहीं कम से कम 20-25 दिन से फंक्शन चल रहा है दिलावर साहब ये कम करते हैं या नहीं अगर नहीं करता तो मुताफुद्दीन क्या करोगे तो? मैंने आपका मुंह देख लिया है आप कम जरूर करेंगे नहीं करूंगा ये मेरा आखिरी फैसला है तो नहीं करोगे कम नहीं शबाना जी इससे पहले कि मेरे गुस्से का पारा हाई हो जाए बात करो इससे दिलावर जी आपने कहा है ना मैं नहीं करना मैं कहता मुताफुद्दीन का सारा खानदान इसे मुताफुद्दीन हो जाए मैं नहीं करना जुलम दी अखीर ना कर दिलावरा ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਬਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਬਬਲੀ ਹੱਥ ਤੱਕ ਹੱਟੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਬਬਲੀ ਹੱਟੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਆ ਬਾ 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 ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ओए बबली तो फिर चौधरी मजीद बनाता जे ओए ओए चौधरी मजीद बनाता जे ओए चौधरी मजीद बनाता जे